मेरी रेसिपी की रेगुलर अपडेट के लिए मेरी यूट्यूब चैनल जस्ट ईट राइट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो मेरे फूडी फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुष्का और आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ पापड़ी, जिसे हम गुजराती में सुखड़ी भी बोलते हैं। इसे खास करके ठंडी के मौसम में बनाया जाता है। इसे गुड़, एडिबल गम और गेहूं के आटे से बनाया जाता है। ये बहुत ही हेल्दी डिश है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। गुड़ पापड़ी को आप घर में आसानी से मिल जाने वाले चीज़ों से बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले हम एक चम्मच देसी घी लेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाए हम उसमें 3 चम्मच खाने वाला गोंद यानी एडिबल गम लेंगे। गोंद को हमें फ्राई करना है, जब तक वो फूल न जाए तब तक हम उसे फ्राई करना है। गोंद जैसे ही फूल जाए हमें उसे पूरी तरह ठंडा होने देना है। ठंडा हो जाने के बाद हमें उसे ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। गोंद को हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। गोंद को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे और हम उसे अब साइड पे रख लेंगे। कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। गेहूं का आटा जो हम जो चपाती बनाते हैं वो आटा लेना है। उसे हम धीमी आंच पे 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तीन चौथाई कटोरी देसी घी लेंगे। आटा और घी को हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हमें इसे रोस्ट करना है। रोस्ट करते समय हमें कंटिन्यूअसली घुमाते रहना है। जब तक आटे का सुनहरा कलर आता है और अच्छी खुशबू आए तब तक हम उसे रोस्ट करना है। अब ये मिक्सचर सॉफ्ट और लाइट हो जाएगा और घुमाने में आसानी रहेगी। आधा चम्मच सौंठ, 2 चम्मच सूखा नारियल का पाउडर, 2 चम्मच तिल और 3 चम्मच दरदरा पिसा हुआ गोंद डालेंगे।
सब अच्छे से मिला लेंगे। आधा कटोरी कटा हुआ गुड़ डालेंगे, तो अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है। जब तक गुड़ पिघल जाए तब तक हमें इसे पकाना है। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। हम एक ट्रे लेंगे और उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसमें पका हुआ मिक्सचर डाल देंगे। मिक्सचर को हम एक समान फैला देंगे। खसखस, तिल और सूखा नारियल के पाउडर से गार्निश कर लेंगे। जब मिक्सचर गर्म हो तब हम उसे अपनी पसंदीदा शेप में काट लेंगे। उसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब ये हमारी गुड़ पापड़ी तैयार है खाने के लिए। होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए मेरी यूट्यूब चैनल जस्ट स्वीट राइट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।